क्या ईशा मालविया और समर्थ जुरेल का हो गया है ब्रेकअप? समर्थ की जिंदगी में आ गई है कोई और लड़की, लेकिन ये कब और कैसे हुआ? वेल, सोशल मीडिया पर ये खबर ऐसे फैल रही है जैसे सोसाइटी की गली में गॉसिप फैलती है। इस आग की चिंगारी कहां से आई? आखिर क्या हुआ है समर्थ और ईशा के बीच? चलिए आपको ये बताते हैं। असल में समर्थ जुरेल और ईशा मालविया वैलेंटाइन डे पर नहीं कर सके मुलाकात। इसी को लेकर ही समर्थ ने मार दिया ईशा को ताना। एक्टर ने पोस्ट किया, कुछ लोग काम में इतने बिजी हो गए हैं कि सबसे मिलने का पोस्ट करने का वक्त है पर अपनों से मिलने का नहीं। एनीवेज, हैप्पी वैलेंटाइन डे टू ऑल ऑफ यू, मे गॉड ब्लेस यू एंड योर लव्ड वंस। इधर चिंटू ने ये लिखा और उधर ईशा की एक वीडियो सामने आ गई जहां वो मीडिया को चॉकलेट्स बांट रही है, रोजेस बांट रही है। जरा देखिए, देखिए कैसे समर्थ के साथ नहीं बल्कि मीडिया के साथ ईशा ने मनाया अपना वैलेंटाइन। ईशा जी इधर देखिए। हेलो, देखो मैं आपके लिए रोज और चॉकलेट्स। क्या बात है, नाइस। लो दादा, आपसे शुरू करूं? नहीं नहीं, मेरे हाथ में दो फोन है। अरे कोई बात नहीं, एक मिनट। आसिम भाई से शुरू करो। जी आसिम भाई को पहले दो। लो लो, जल्दी जल्दी पहले इसको दो। वैलेंटाइन डे वो बच्चे को दो उधर फोन से। लो लो, अरे आप लो लो लो, दो दादा। क्या शादी वादी होगी है क्या? हाँ हो गई, हो गई, हुई है, हुई है। इसके लिए शर्मा रहे हैं आप लोग। ये लो सबके रोजेस, हैप्पी वैलेंटाइन डे। अब इसके बाद समर्थ ने एक मिस्ट्री गर्ल के साथ अपने सोशल मीडिया पर वैलेंटाइन पोस्ट डाला। अब भाई ईशा तो समर्थ से मिलने गई नहीं, तो ये मिस्ट्री गर्ल आखिर है कौन? ये ईशा मालविया के साथ समर्थ की कोई पुरानी तस्वीर है या समर्थ की जिंदगी में कोई नई लड़की आ गई है? बस यही सवाल फैंस को परेशान करने लगा। लेकिन आपको बता दें कि ये ईशा ही है। समर्थ ने ये तस्वीर शेयर करके ईशा को टैग भी किया है, यानी दोनों के बीच मन मुटाव हुआ है लेकिन अलगाव नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं, ब्रेकअप नहीं, समझे? फाइनल कट, न्यूज डेस्क।